सब्सक्राइब कीजिए टेक एंड सोशल चैनल को हर रोज एक नई वीडियो देखने के लिए और दबाइए बगल में दिए हुए बेल आइकन को जिससे आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। मैंने मंगाया है स्नैपडील से दो प्रोडक्ट मंगाए हैं और मैं उनकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं और बताता भी हूं इसके बारे में। दोस्तों ये मैंने मंगाया है, ये घड़ी है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है तो दोस्तों ये मैंने जो डिलीवरी पैकेट मंगाया है स्नैपडील से परचेज किया था और मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया तो ये मैंने मंगाया था। और ये पैकेट आप देख रहे हैं, मैंने पहली वीडियो में बताया कि पैकेट को देख लीजिए कहीं से कटा फटा ना हो, दोबारा से उन्होंने लेमिनेशन ना की हो, टेप ना लगी हुई हो कहीं भी, क्योंकि अगर जैसे ही ये सारी चीज़ें आपको दिखती है कुछ भी डाउट होता तो आप पैकेट मत लीजिए डिलीवरी बॉय से, क्योंकि लेने के बाद कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए पहले से कर लीजिए। तो ये चारों तरफ से मैंने देख लिया, कहीं से भी फड़ा नहीं, कहीं चिपकाया नहीं, कहीं ब्लेड से कटिंग नहीं है। तो चलिए मैं फाड़ता हूँ इसको और दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि ये GST वाला बिल होता है, यहाँ पे ये GST का जेन्युइन बिल होता है और इसके बाद ये प्रोडक्ट कोड होता है, डिलीवरी कोड होता है जो इनके कंपनी के होते हैं। तो इसको संभाल के रख लीजिए क्योंकि गारंटी या वारंटी लेने में ये आपके काम आ सकती है। सर्विस सेंटर पे जाने पे आपको दिखाना पड़ सकता है कि परचेज बिल, एक तरह से बिल ये हो गया पक्का बिल, तो आप इसको संभाल के रखिए क्योंकि ये है पक्का बिल। अब चलते हैं प्रोडक्ट के अंदर, देख लेते हैं क्या है। काफ़ी बड़ा पैकेट है और ये देखिए आप, इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो ये मैंने रख दिया। ये है काफ़ी पैकेट, ये बबल पैकिंग है। बबल पैकिंग मैंने आपको दोस्तों बताया था, बबल पैकिंग थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन अगर प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स होता है या कोई भी शॉक प्रूफ होता, शॉक वाला प्रोडक्ट होता है या पिचकने वाला होता है तो उस पर बबल पैकिंग की जाती है। मोबाइल एसेसरीज हुई उन सब पर बबल पैकिंग की जाती है। ये स्नैपडील की इस पर टेप भी लग रही है, तो ये दूसरी तरह से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आके स्नैपडील की टेप है। चलिए इसको खोलते हैं, क्योंकि बबल पैकिंग जो इस गोल वाला बॉक्स दिया गया है इसको शॉक प्रूफ रखता है, मतलब एक तरह से पिचकने से बचा सकता है। काफी बड़ी बबल पैकिंग है, देख रहे हैं आप। बबल पैकिंग आप संभाल के रख सकते हैं, आपको कोई भी चीज पैक करके कहीं दूर ले जानी है तो उसमें काम आ सकता है ये पैकेट, आप रख सकते हैं, ठीक है, आपके किसी काम आ सकता है ये, फेंकना नहीं चाहिए इसको। ये देखिए ये है बॉक्स, तो टाइमेक्स लिखा हुआ है, टाइमेक्स USA यानी अमेरिका की कंपनी है, ये उसके शाइन बने हुए हैं, टाइमेक्स द्वारा लिखा हुआ है। और इस तरह से ये देखिए टाइमेक्स यहाँ पे खुदा हुआ भी है, थोड़ा बॉक्स पिचक गया है, कहीं रखा हुआ था, थोड़ा जंग लगा हुआ है, पिचका हुआ है, तो ये टाइमेक्स खुदा हुआ है इस पर, यानी उभरा हुआ टाइमेक्स लिखा हुआ है
आप देख सकते हैं इसे। तो अब इसको खोलते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट डिटेल नहीं लिखी जैसे मेरे इस बॉक्स में लिखी थी, दूसरे वाले में, दूसरा भी मैंने टाइमिक्स मंगाया था इसमें लिखी हुई थी, वो चीज़ नहीं लिखी हुई है। यही चेक करना है, देखते हैं क्या होता है। या लिखा भी होगा तो ऐसा लगा है कि हटा दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हटाया गया है। ये है, ये मैंने आपको दिखाया, ये घड़ी है ये। अब इसमें देख लेते हैं वारंटी कार्ड। तो वारंटी कार्ड है इसमें, वारंटी कार्ड है और प्रोडक्ट गाइडलाइंस है कैसे यूज करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसे संभाल के रख लीजिए, पढ़ लीजिएगा कैसे क्या होता है। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको रख देते हैं यहाँ पे और ये प्रोडक्ट को निकालते हैं। प्रोडक्ट इस तरह से पैकिंग है, शॉक प्रूफ पैकिंग है पूरा, और इस तरह से है देखने में, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसे निकालते हैं, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो ये इसमें टाइमेक्स लिखा हुआ पर्ची लगी हुई है टाइमेक्स की, ठीक है, और इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये घड़ी है इस तरह की, ये आपकी घड़ी है, ये दिखने में काफी अच्छी है और अच्छे ऑफर में मिल गई थी इसलिए मैंने इसे ले लिया है, ठीक है। अब इसे खोल लेते हैं। तो ये स्ट्रिप्स इस तरह से काफ़ी अच्छी स्ट्रिप्स है, सिलाई अच्छी हुई है और लेदर है, लेदर लिखा हुआ था लेदर है। स्ट्रिप्स की वारंटी होती है 6 मंथ की और घड़ी की होती है 1 ईयर की, यानी घड़ी के इस बीच वाले डायल में या किसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो 1 ईयर की रहती है। और स्ट्रिप्स की वारंटी हमेशा हर घड़ी में 6 मंथ की आती है। काफ़ी अच्छी सिलाई हुई है, मजबूत सिलाई है, इधर से आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा सिलाई है, मजबूत है काफ़ी। तो ये चीज़ है, मैंने आपको बताया कि असली घड़ी वो होती है जिसके पीछे प्रिंट नहीं खुदा हुआ होता है, यानी प्रिंट नहीं होता है, आपको पूरा अच्छी तरह से इस तरह से होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप टाइमेक्स लिखा हुआ है और सारी चीज़ें, तो इस तरह से www.timex.com इस तरह से स्ट्रिप्स में भी लिखा हुआ है टाइमेक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रिप्स में टाइमेक्स लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं स्ट्रिप्स में देख रहे हैं टाइमेक्स लिखा हुआ है। तो ये घड़ी है दोस्तों, और मैं आपको दिखा दूं कितनी चौड़ी है ये, तो कलाई पे ऐसे है, कलाई पे इतनी चौड़ी है, इतनी चौड़ी, काफ़ी अच्छी लगेगी पहनने में भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अगर पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है आपको करना है, उस पर क्लिक और उसके बाद एक बेल आइकन आता है उस पर से दोबारा क्लिक कर लीजिए जिससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।